हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंसेज, वो भी नरेशन में। अब आप सोच रहे हो कि बार बार यही क्यों चल रहा है, हर बार अलग कंसेप्ट होता है, अलग कहानी होती है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड इसी प्रकार की वीडियोज बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाए जाते हैं पीडीएफ के साथ। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलती रहती है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं रूल नंबर थर्ड, लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस में नया क्या है देखिए जरा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त इम्पेरेटिव सेंटेंस निषेध सूचक हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलें, आगे नियम बताया गया है। अभी बात करेंगे एक एक चीज की पर्टिकुलर। तो निषेध सूचक मतलब कोई चीज प्योरली मना कर दी जाए, कंप्लीट निषेध हो कि जरूरी कितना ही हो लेकिन वो काम फिर भी वहां पर नहीं करना है, उन्हें बोला जाता है निषेध सूचक। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास कैसा फॉर्मेट आएगा और आपको कैसे बदलना है, सारी बात करेंगे। तो आपका डायरेक्ट स्पीच में जो फॉर्मेट होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। देखिए जरा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद में सेड टू, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। बाकी आपको इसके बारे में पता ही है कि सेड टू और सेज टू भी होता है, कभी कभी सेड आता है ऑब्जेक्ट नहीं आता है, वो बातें हम पहले कर चुके हैं। इसके बाद में कोई नेगेटिव वर्ड आएगा, जहां से रिपोर्टेड स्पीच आपका शुरू होगा वो बिल्कुल नेगेटिव वर्ड से शुरू होएगा और उसके बाद में अदर वर्ड आ जाएंगे। तो अब इसको चेंज कैसे करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो देखिए जरा। तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसे वाले सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सेड टू की जगह प्रीवेंटेड लिखेंगे या प्रोहिबिटेड लिखेंगे, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। इतनी बात क्लियर है। और उसके बाद में फ्रॉम का यूज करेंगे, फ्रॉम के बाद में हमेशा और हमेशा वी फोर आएगी, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी, फिर अदर जो भी बचा हुआ है वो लिख देंगे। कैसे देखिए जरा, ही सेड टू हिज सर्वेंट स्टॉप वर्किंग, एक तो ये सेंटेंस है। दूसरा है द प्रीचर सेड टू द पीपल नेवर टेल अ लाई, उपदेशक ने कहा। प्रीचर का मतलब क्या होता है, उपदेशक होता है, बाकी आपको पता ही है। अब इन्हें कन्वर्ट कैसे करना है वो देखिए जरा। देखिए ही की जगह ही आ गया, सेड टू की जगह प्रोहिबिटेड या प्रिवेंटेड लिखेंगे, हिज सर्वेंट की जगह हिज सर्वेंट आ जाएगा, फ्रॉम लगाएंगे और वी फोर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर स्टॉप क्या है, नेगेटिव वर्ड है, तो इसको हटा देंगे और वी फोर ऐसा का ऐसा लिख दिया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए द प्रीचर की जगह द प्रीचर आ गया, सेड टू की जगह प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड आ गया, द पीपल की जगह द पीपल आ गया। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या लगाया, फ्रॉम लगाया, क्या लगाया, फ्रॉम लगाया तो नेवर हट गया, क्या हट गया, नेवर हट गया, इन्वर्टेड कॉमास हट गए क्योंकि नेगेटिव वर्ड को आपको हटाना होगा। इसके बाद में टेल आपकी वी वन थी तो आई एन जी लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर फ्रॉम का यूज किया गया है तो टेलिंग हो जाएगा, वी फोर का यूज होगा और उसके बाद में जो बच गया वो लिख देंगे। इज इट क्लियर। इसके बाद में और देखते हैं, एग्जाम्पल आपके सामने है, ही सेड टू हिम डू नॉट सिट आइडल, आइडल का मतलब होता है बेकार। तो देखो जरा, ही की जगह ही आ गया, सेड टू की जगह प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड आ जाएगा, हिम की जगह हिम आ गया, फ्रॉम लगाएंगे तो इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे और डू नॉट नेगेटिव वर्ड हट जाएगा, सिट आपकी वी वन है तो सिटिंग हो जाएगा, आइडल ऐसा कैसा आ जाएगा। इज इट क्लियर। अब आपका ये जो नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है इस प्रकार से तो बना ही सकते हैं, इससे पहले जो तरीके पढ़े थे उस प्रकार से भी इनको बनाया जा सकता है। देखिए जरा, ही फॉरबेड आ गया तो फॉरबेड आ गया तो आगे टू सिट आइडल हो जाएगा, डोंट हटेगा और टू लग जाएगा इन्वर्टेड को मार्ज को उठाने के लिए और आगे जो बचा हुआ है वो लिख देंगे। इसी प्रकार एक और नियम पढ़ा था, ही आस्क्ड हिम, ऐसा है आस्क्ड लिख दे, फॉरबेड नेगेटिव वर्ड है इसलिए आगे नेगेटिव वर्ड नहीं आता है, लेकिन आस्क्ड आ गया तो नॉट टू सिट आइडल लिखेंगे। अगर आस्क्ड आता है तो नॉट टू, फॉरबेड आता है तो टू प्लस वी वन, और अगर प्रिवेंटेड और प्रोहिबिटेड आता है तो उसके बाद में फ्रॉम लगाएंगे और वी फोर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वी फोर लगाएंगे। तो ये रूल आपको सभी के सभी समझ में आ गए होंगे और अच्छे से दिमाग में समझ में आ गया होगा कि एक सेंटेंस को हम तीन तरीकों से बना सकते हैं। और एग्जांपल देखिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि एक सेंटेंस को तीन प्रकार से कौन कौन से नियम है, एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा, मैं मेन मेन चीजें बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा और एक एक चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले आप सेड टू को अगर प्रिवेंटेड और प्रोहिबिटेड में बदलते हैं, सेड टू को प्रिवेंटेड और प्रोहिबिटेड में बदलते हैं,
तो आगे जाके जो नेगेटिव वर्ड है वो तो हट जाएगा और उसकी जगह इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए फ्रॉम लगा देंगे। क्या लगा देंगे? फ्रॉम लगा देंगे और उसके बाद में वी फोर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वी फोर, जिसका मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी लगा देंगे। पहला नियम समझ में आ गया। दूसरा, अगर आप सेड टू की जगह फॉरबेड करते हो, सेड टू की जगह फॉरबेड करते हो जो खुद नेगेटिव वर्ड होता है, इसलिए आपका फिर से डोंट नेगेटिव वर्ड हट जाता है। डोंट हो या कोई भी अदर वर्ड हो वो नेगेटिव होगा तो वो हट जाएगा, जिसमें मना करने की बात हो वो नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। इसके बाद में अगर फॉरबेड आता है तो नेगेटिव वर्ड हटाकर करे क्या, तो इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए टू लगा देंगे। क्या लगा देंगे? टू लगा देंगे और उसके बाद में वी वन आपकी है ही, तो इसके बाद में जो सेम सेंटेंस है वो लिख देंगे। इज इट क्लियर? अब इसी सेंटेंस को हमें तीसरे तरीके से बनाना है। कैसे बनाएंगे? अगर हम सेड टू को आस्कड में बदलें, सेड टू को आस्कड में बदलें तो क्या करना है? सेड टू को आस्कड में बदलेंगे तो केवल एकमात्र ये नियम है जहां पर नेगेटिव वर्ड रहता है, डोंट को नॉट टू लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए नॉट टू लिखते हैं। कब लिखते हैं? जब फॉरबेड नहीं आता है, प्रिवेंटेड नहीं आता है, प्रोहिबिटेड नहीं आता है, आस्क्ड आ जाता है, टोल्ड आ जाता है, तब हम क्या लिखेंगे? नॉट टू लिखेंगे और फिर आगे वी वन लिखकर सेम सेंटेंस लिख देंगे। लेकिन अगर कोई चेंज होने वाली चीज हो जो आपको पहले बताई हुई है, सब्जेक्ट हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई अदर वर्ड हो, अगर वो चेंज होने वाले हैं तो उनमें चेंजेज किया जाएगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में देखिए जरा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं तो ये वीडियो हर बच्चे तक पहुंच पाएगा, अन्य लोगों को भी कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल नोटिफिकेशन पे रखिए, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।